उसको पसंद नहीं आई, उसको पसंद नहीं आई बात। मित्तू आ जाएगा जल्दी, चो जो पागल लड़की, मित्तू आ जाएगा। कपड़े नीचे कर लो तुम। मित्तू कौन है? इसको मुझको पता है बस। मुझे भी बता दो दोनों का सीक्रेट। गर्दन टिक कर तनु लटक रहा बाबू। मित्तू आ जाएगा जल्दी जो जा। मित्तू कौन है? मित्तू बता दे मम्मा को, मित्तू कौन है? मम्मा पूछ ली। हाथ तो ना, हाथ बाबू ऐसे मत पकड़ो। तो कौन है मिठू, बता दो दोनों। मित्तू 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 गौरी दीदी मुझे भी बता दो मिठू कौन है? ये मैंने बता लो दीदी, और मेरा छींक लेता है। बच लो ना शुरू आज। चलो माल की चल रहे शॉपिंग करके लाएंगे थोड़ी सी चंदन, ठीक है? दिल आज कल इतनी लाएंगे नहीं नहीं। अच्छा नहीं दार नहीं दार। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी बातें करने में लगी हुई थी, जो इनकी सीक्रेट बातें थी मुझे तो पता नहीं। और यहाँ पर मैं सुबह कपड़े धो चुकी थी, वो अगर सूख गए हैं तो मैं देख रही हूँ कि सूख गए हैं तो मैं उतार लूंगी। मतलब ये सूखे हुए ही थे क्योंकि धूप में डाल दिए थे। जिस टाइम धूप में डालने गई थी उस टाइम कमरे में से धूप चली गई थी, कम ही धूप आई हुई थी। तो अब ये शाम के टाइम पे भी मैंने कपड़े धोए थे कुछ, तो वही वाले कपड़े मैं अब यहाँ पर सुखा रही हूँ। और मैं गौरी को भी देख रही थी, इधर गौरी उठ तो नहीं गई है, वो सो रही थी। फटाफट इसलिए मैंने कपड़े सुखा दिए क्योंकि सुबह फिर ज्यादा कपड़े नहीं होने के हैं धुलने के लिए, क्योंकि सुबह ना और कपड़े धुलने थे, मशीन लगानी थी। तो मैंने सोचा कि गौरी के थोड़े से कपड़े मैं ये धो करके सुखाती हूँ, क्योंकि फिर रात के भी कपड़े हो जाते हैं। और बच्चे के साथ में एज यूजल, जैसे मैं आपको हमेशा बताती बताती हूँ कि बोलती हूँ, बच्चों के साथ में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। इसमें पानी ज्यादा था, मैंने इसे ड्रायर भी नहीं किया क्योंकि थोड़े कपड़े थे, ड्राई करके डालने चाहिए थे। लेकिन मैंने कहा कि अब रात में तो सूख जाएंगे तो मैं इसे दूसरी जगह रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी गिरेगा, मुझसे वैसे भी निचोड़ा नहीं जा रहा था कपड़ा। और यहाँ पर ये अभी मैं आटा गूंदूंगी क्योंकि गौरी सोई हुई थी, तो नहीं गौरी खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं काम कर लेती हूँ यहीं पर बैठकर इसके साथ में। तन्नू को मैंने बोला था कि आप आटा छान करके मुझे दे दो ताकि मैं फिर आटा यहीं पर बैठ करके गूंद लूंगी। गौरी 10 मिनट के लिए खेली पूरा यहाँ पे, तभी मैंने आटा भी गूंद लिया और उसके साथ खेल भी ली। और यहाँ पर ये पानी की बोतल टिक नहीं रही है, मैं सोच रही थी यहीं पे ये रुक जाए, लेकिन ये गिरने का डर था। अभी मैं इसे पैरों में भी रखूंगी, फिर से नीचे जमीन पर रख दूंगी। साथ के साथ थोड़ा 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 काम करती रहती हूँ जैसे भी टाइम मिलता है, कि हाँ कर लेना चाहिए। बस हाथ में अभी भी मेरी दिक्कत है, और डॉक्टर के पास मैं जो मेडिसिन ले रही हूँ उससे मुझे कोई भी आराम नहीं हो रहा है। अब शायद देखते हैं क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस इसी तरीके से अब यहाँ पर आटा मैं गूंद करके रख दूंगी, मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा। ऊपर जाऊंगी मैं खाना बनाने के लिए, तो फिर मुझे आटा गूंथा हुआ मिलेगा पहले से ही। और फिर क्या होता है ना, गौरी का कोई टाइमिंग ही नहीं है, वैसे तो तन्नू कर लेती है, लेकिन जब मेरे को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तब तन्नू से मैं कराती हूँ, अदरवाइज मैं खुद कर लेती हूँ। बस अब देखो आप आगे मेरी वीडियो जरूर देखना, अभी बीच में मत छोड़ना। वैसे तो आप लोग सारी पूरी वीडियो देखते हो। और ये देखो मैं सिंदूर लगाती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा कम लगाती हूँ। लोग बाग मुझे बोल रहे थे कुछ लोग कि अब सिंदूर लगाया करो, तो मैं लगाती हूँ यहाँ पर। तो चलिए आप देख लीजिए, आगे मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना और मेरी चपाती बननी स्टार्ट हो गई है। कुकर में मैं अपना दलिया बना रही हूँ। दलिया मेरा
उबला हुआ रखा था, अब उसको मैं दूध में उबाल रही हूँ। कुकर में ही मैंने दूध डाल दिया है, उसी में बन जाएगा। और ये मेरी पहली रोटी बन गई है। थोड़ी सी ये जल गई थी क्योंकि पहली रोटी, ये तवा ज्यादा गर्म हो गया था। मैं चपाती बना करके रख लेती हूँ, गरम गरम हम लोग नहीं खाते हैं। बना करके रखने से ये होता है कि जब भी हम तीनों खाते हैं तो एक साथ बैठ करके खा लेते हैं। या अब मेरा टाइम थोड़ा सा अलग हो गया है तो मैं तो पहले ही खा लेती हूँ, लेकिन ये दोनों अभी भी साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन पहले हम लोगों का रूटीन था कि अगर दुकान पे खा रहे हैं तो हम तीनों ही दुकान पर खाते थे, और घर पर खा रहे हैं तो तीनों घर पर। सुबह भी हम लोग ऐसे ही करते थे, क्योंकि ये क्या होता है ना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है एक साथ में ना, अच्छा लगता है। इस टाइम पे बातें भी थोड़ी हो जाती हैं क्योंकि अब ये दुकान पर चले जाते हैं और फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो कोशिश यही करते थे हम लोग कि तीनों एक साथ बैठ करके खाना खाएं, और अब इन दोनों का चलता है क्योंकि मैं बिल्कुल अलग खाना खा लेती हूँ। देखो यहाँ पे रोटी फूल गई। जब रोटी फूलती थी ना, जब मैंने पहली बार बनानी सीखी थी तो मम्मी को जब भी कभी भी रोटी फूलती थी, मम्मी देखो रोटी फूल गई, रोटी फूल गई, यही रहता था। बस अभी सारी रोटियां मैं यहाँ पर बना कर रख लूंगी। अभी मैं घी इस पर लगा नहीं रही हूँ क्योंकि घी में ना इकट्ठा लगाऊंगी, कभी गौरी की आवाज आ जाए नीचे से। तनु है वैसे उसके साथ में। और यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ कुछ सब्जी में जुगाड़, खाली इनके लिए करनी थी, हमारे लिए रखी हुई थी। तो यहाँ पर मेरे को शिमला मिर्ची और आलू की सब्जी रखी हुई थी मेरे पास में, और मैंने काट लिया है एक टमाटर बड़ा, और फ्राई पैन में डाला है मैंने देसी घी, और मैं डाल रही हूँ अब हींग और जीरा। ये सब्जी बहुत थोड़ी सी थी, इसमें खा नहीं पाते, बहुत ही थोड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ जुगाड़ किया जाए। जीरा मैंने डाल दिया, इसमें टमाटर भी मैंने डाल दिया। अब टमाटर को भुनने दूंगी मैं, और इसमें फिर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी पानी। पहले हल्का सा इसमें नमक डालूंगी मैं, क्योंकि नमक से क्या है ना, ये जल्दी से गल जाते हैं। और नमक डाल दिया मैंने, और मसाले भी डालूंगी इसमें, थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी और धनिया डालूंगी मैं इसमें। और अब डालूंगी मैं इसमें पानी। पानी से क्या है ना, ये सूखी सब्जी जो है इसमें रेसा भी आ जाएगा, ग्रेवी भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि सब्जी को ही ऐसे किया जाए। और ये बस टमाटर इसमें अब साथ के साथ गल जाएंगे जितने गल चुके हैं, ठीक है। वरना मैं क्योंकि इसको अभी ढककर रखूंगी, सब्जी की तरह इसे पकाऊंगी अभी अच्छे से पूरा। और जो ये मेरी सब्जी रखी हुई है कटोरे में, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। प्याज मैंने डाली नहीं है क्योंकि शरारत चल रहे हैं इसलिए। और अब मैं बनने के बाद में इसे आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये बन रही है यहाँ पर अभी भी। और ये अब इस देखो इस तरीके से कितनी टेस्टी लग रही है ये देखने में भी। बस और एक सब्जी और है तो मिला करके हम लोग खा लेंगे, सब्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये तो मेरा खाना बन के हो गया तैयार, और ये रहा मेरा दलिया। मैं यही खाऊंगी, मैं सब्जी रोटी नहीं खाऊंगी, दलिया खा के सोऊंगी। हाँ तनु हो गया, आ रही हूँ। और ये कुछ सामान जो पहले तनु कल लगा चुकी है, सुबह भी मैंने लगा दिया था, राशन का इसमें पड़ा होगा है अभी भी। ये डिटॉल के पैक लेकर के आई है, ये कल यही सामान लेके आई थी। मैंने कहा जाओ बच्चे तुम ही लेकर के आओ, पास में ही है, वो छोड़ जाते हैं वो घर पर ही सामान। अभी सुबह के लिए मुझे बनाने छोले। ये खुद वो दुकान वाले ना अपनी पैकिंग रखते हैं, तो ये दोनों चीज खत्म थी तो मैंने मंगा ली। अब मैं छोले भिगोऊंगी, कुछ इसमें साबुन पड़ी हुई है, अभी बाद में ही मैं लगाऊंगी। चीनी भी इस तरीके की है, खुली पैकिंग, वो अपनी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीनी आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मोटे दाने की चीनी होती है, देखो बहुत ही मोटा दाना होता है इसमें, और बहुत ही अच्छी लगती है ये मुझे, साफ सुथरी एकदम। तो बस ये तो मैं अभी इसी में रखूंगी। काफी सारा सामान था जो मैं हम खाली कर चुके हैं, मुझे अभी इसकी जरूरत है फिलहाल। मेरे को अभी ये भिगोने हैं सुबह के लिए, तो इसको मैं भिगोऊंगी और सुबह बनाऊंगी छोले। तो यहाँ पर जो है गौरी दीदी लेटी हुई है, कपड़े देखो ये बार बार में ऊपर चढ़ा लेती हैं। बस मैं इनके कपड़े साफ कर रही थी, कपड़े मतलब ठीक कर रही थी यहाँ पर, और इनके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। बहुत अच्छा लगता है, अब तो ये लगता है कि पूरा टाइम गौरी के साथ ही बीते, और बीतता भी है। इसका हर एक पल में हम जीना चाहते हैं कि क्या कर रही है, कैसी एक्टिविटी है, क्या नहीं। इसकी सॉक्स वगैरह में पिना रही थी, इसको चुराबी ये बार बार में निकाल देती है, ऐसे पैर मारती है तो ये सारे बाहर निकाल देती है। बस यहाँ पर ये खेलने में लगी हुई थी,
तो थोड़ा सा मैं भी खेल ली इसके साथ में, मैंने भी मस्ती कर ली, है ना गौरी? हेलो, कैसे हो सब लोग? और यहाँ पर मैं अभी काम खत्म करके बैठी हूँ, खाना वाना बन किया है और दलिया मैंने अपना खा लिया है और थोड़ी देर गौरी के साथ भी खेल लिया हूँ और खेल रही है अभी गौरी। गौरी अभी अपने आप खेलने में लगी हुई है, मच्छर दिख गया मेरे को। एक ही मच्छर ना बहुत परेशान कर देते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ नोनी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गौरी परेशान कर देते हैं ना। गौरी बात कर रही है, और ये देखो ये दिखाने थे गौरी के, कितने प्यारे हैं ना। ये भी किसी ने दिए थे गौरी के लिए हैं ये, तो मैंने अब सोचा कि अब आगे ठंड आ रही है, छोटी छोटी चीजों को मैं संभाल संभाल के रखूं ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये चीजें भी मेरे पास में हैं। तो आज मैं कुछ सामान देख रही थी, उसमें ये निकले, एक तो ये वाला पेयर है और दूसरा ये वाला है। कितने प्यारे लगते हैं ना ये बच्चों के, सारी चीजें ये बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं ये। और एक मिनट यार, गौरी ने ये मेरी गौरी बेटू, इन्होंने छू छू कर ली थी और ये अभी भी उधर देख ला यार, उधर देख ला, उधर देख ला, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, ओ ओ, कैसे बात कर लेगा सबसे, बोलो हेलो, हाय, राम राम, बोलो सबसे, राम राम, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, अरे राम राम बोलो, अरे राम राम बोलो। नहीं नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मुझ पे नहीं गया है, ये मेरा बाबू, मेरा बाबू है, पापा का बाबू, ये अपने पापा का बाबू है, ये अपने पापा की लाडो रानी है, ये अपने पापा की मट्टो रानी है, मटको मटको, मेरे तो सिर्फ गौरी है। नहीं गमी मुझे जो नीचे लिटा दो, चलो ठीक है नीचे लिटा दे, तू आपको बोल रही भाई नीचे लिटा दो, हम इसे नीचे लिटा देते हैं। अब खेलो, अब खेली खेली कर लो, अब खेली खेली कर लो। अरे शांतरा, इसके अभी कपड़े चेंज करूंगी, फिर ये सोने की तैयारी करेंगे। 10:30 हो चुके हैं, रात के पापा आएंगे, पापा का वेट कर रही हूँ। अब बस एक बार गोदी में ले लिया ना, तो अब ये रहता है कि अब मुझे गोदी में ले लो। और देखो मैंने ये भी मेरे पास ना रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं निकाल लूँ। आज बहुत पास से वीडियो में बना रही हूँ बैठ करके, रैक्सी में ही काम आ जाएगी। लेकिन ना ये ना ये जो बज रही है ना, इसकी जो आवाज आ रही है वो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है। एक तो इतना ज्यादा आ रहा है, हाँ तो ये देखो ये ना मुझे थोड़ा सा परेशान। ये भी बस एक्चुअली मैंने गौरी के लिए अभी तक कुछ नहीं खरीदा है, बस गौरी के लिए क्या खरीदा था गौरी आपके लिए, सिर्फ पजामिया, वो भी किसी ने गिफ्ट करी थी। ये सारा सामान गौरी का जो आया हुआ है वो गिफ्ट में ही आया हुआ है। तो अभी तो इनका साइज चेंज हो रहा है, अब जो मैं छोटे कपड़े पहले ढूंढ रही थी, जब आप लोग बोल रहे थे कि विशाल मेगा मार्ट चले जाओ या फर्स्ट क्राई से ट्राई कर लो, तो अब इनको वो कपड़े थोड़े छोटे आ रहे हैं, अब मुझे इनके बड़े कपड़े चाहिए, है ना गौरी, है ना गौरी? हाँ अब इनके लिए बड़े कपड़े चाहिए, तो अब देखते हैं। अभी वैसे बड़े कपड़े विंटर के लिए रखे हैं, दीदी ने इतने सारे विंटर के कपड़े पहुंचाए हुए हैं, इनके खुद बनवा करके पहुंचाए हुए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी, है ना बच्चू? हाँ तो बोल रही है हाँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी थोड़ा खेलने में लगी हुई है, लेकिन मुझे ये तो सबसे प्यारे यार, ये चीजें ना बच्चों का ना, बस जब बच्चों की ये चीजें आती है ना, तो मैं तो पहले भी जब गौरी नहीं हुई थी तब भी मार्केट जाती थी ना, तो मुझे कुछ अच्छा दिखता था तो मैं ये सब चीजें ले लेती थी, क्योंकि ना मुझे कोई भी और बच्चा दिखता था मैं उनके लिए ले लेती थी। लेकिन अब तो पहले, लेकिन लेते हुए देते हुए ना बहुत डर लगता था मेरे बालों को, कैसे पहले देते हुए ना मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि खुद पे बच्चा नहीं था। मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि
को याद नहीं है, मैंने किसी का जैसे छोटा बच्चा गोदी में लिया था तो उन्होंने तुरंत मेरी गोदी से ले लिया था, तब से थोड़ा सा मुझे लगने लग गया था, मैं बच्चों से दूर रहती थी और ये भी मुझसे मना करते थे कि आप ना किसी के बच्चों को लिया मत करो, उनके लिए कुछ सामान मत खरीदा करो, जब बच्चा नहीं होता है ना तो लोग बाग लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि इनको बच्चा नहीं है तो इनको अपना बच्चा देने से कुछ ये कर देंगे या कुछ हो जाएगा, तो इन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया था कि आप अब कुछ भी सामान नहीं लोगे। तो अब तो घर में आ गई है गौरी, छोटी वाली गौरी, गौरी गौरी गौरी। हाँ, पूरी वीडियो क्लिप मैं बना ही नहीं पाती हूँ, मतलब पहले जैसे होता था ना कि मैं 10 मिनट की 15 मिनट की एक साथ ही वीडियो मेरी बनती रहती थी, अब तो जब ये गौरी जी परमिशन देती हैं हमें तब हम वीडियो बना पाते हैं, है ना गौरी। आराम से लेटी हुई है, उसे नीचे लेटना था जब मैंने गोदी में लिया था तो उनको नीचे लेटना था, है ना। आवाज आ रही होगी? हाँ, अभी बस कपड़े चेंज करेंगे, अभी बस इनके कपड़े चेंज होंगे और आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर खत्म करूंगी, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मुझे नहीं पता नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी आपके वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, वो तो मुझे देखकर ही पता चल रहा है कि कमेंट नहीं आ रहे हैं तो लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, तो चलिए जब तक मेरी दूसरी वीडियो आती है तब तक अपना ध्यान रखिए। हाँ, मैंने बोल दिया है सबको, हाँ आपकी हेलो बोल दिया है, ठीक है, टेक केयर।